Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a life science specialist. आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं पैथोलॉजी सर्जरी का इम्पोर्टेंट पार्ट है गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या है, क्यों होता है, क्या सिम्टम होगा, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सारी बात पे बात करते हैं। गैंग्रीन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सेल प्यूटिफाई हो जाता है, जैसे नेक्रोसिस पर। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, इरिवर्सिबल सेल डेथ। और इरिवर्सिबल सेल डेथ जब मैसिव फॉर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस, यानी कि मैसिव सेल डेथ आर नोन एज नेक्रोसिस एंड प्यूटिफिकेशन ऑफ नेक्रोसिस टिश्यू नोन एज गैंग्रीन। यानी होता क्या है इसे बात करते हैं हम लोग। जैसे ये कोई सेल है, या सेल जो नॉर्मल सेल है, इस पे अगर कोई एजेंट का एक्सपोजर होता है तो एजेंट का एक्सपोजर इतना पावरफुल होता है जिसके बाद यह सेल इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी यह सेल डेथ कर जाता है। फिर इसके बाद ये जो इसके जो कंपोनेंट है इसके अंदर, ये सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं। अब ये कंपोनेंट डिकम्पोज कर गए, जैसे इसके अंदर जो भी सब्सटेंस है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या जितने भी जिस चीज से बना हुआ है, तो ऑल बायो मॉलिक्यूल सब्सटेंस ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्रोस सेल्स बिकम्स डिकम्पोज्ड एंड कन्वर्ट इनटू अबनॉर्मल सब्सटेंस नोन एज गैंग्रीन। यानी इसके सब्सटेंस वो क्या होता है, डिकम्पोज कर जाते हैं। अब ये डिकम्पोज होता कैसे है, तो या तो लाइसोजाइमल एंजाइम से, या कोई सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया अटैक करता है इस पे, या कोई ऐसा एनारोबिक ऑर्गेनिज्म अटैक करता है, इसके कारण ये सेल जो होता है वो लाइसिस होकर के या फिर डिकम्पोज कर जाता है। ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गैंग्रीन बोलते हैं। यानी गैंग्रीन के बारे में समझ में आ गया कि कोई नेक्रोसिस टिश्यू जब प्यूटिफाई हो जाता है, जब वो डिकम्पोज कर जाता है, उस कंडीशन को लोग बोलते हैं नेक्रोसिस। अब बात सॉरी गैंग्रीन उसको लोग बोलते हैं गैंग्रीन। अब बात करते हैं लावे, ये गैंग्रीन जनरली जब डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने के बाद ये मेनली दो वेराइटीज के बनते हैं। जैसे मान ली सपोज दैट कि कोई ऐसा ऑर्गन्स जहां पर नेक्रोसिस हुआ, और नेक्रोसिस के बाद यहाँ का जो सेल जहां कंडीशन है वह डिकम्पोज कर गया, तो ऐसा जगह जहां डिकम्पोज हुआ है वह सुपरफिशियल लेयर में है, यहाँ पे जहां ब्लड सप्लाई बहुत कम हो रही है। तो वैसे ऑर्गन्स जहां पे ब्लड सप्लाई डिक्रीज कर रहा है या सुपरफिशियल पार्ट है, तो वहां पर डिकम्पोज होने के बाद इसके फ्लूड वेपोराइज हो जाते हैं। इसके फ्लूड क्या होता है, वेपोराइज कर जाता है। तो फ्लूड के वेपोराइज होने की वजह से यहां पर का जो एरिया होता है वो कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तब फ्लूड यहाँ का वेपोराइज कर गया डिकम्पोज पार्ट का, अब वेपोराइज होने के बाद जो एरिया ड्राई हो जाता है, इसलिए ऐसे कंडीशन को लोग बोलते हैं ड्राई गैंग्रीन। तो एक गैंग्रीन का टाइप होता है ड्राई गैंग्रीन। अगर यही चीज अगर वैसे एरिया में प्यूटिफाई होता जहां पर वेपोराइज नहीं हो सकता है, तो उस एरिया में अगर वेपोराइज नहीं होता है तो वहां पर अगर डिकम्पोज होगा ऐसा सब्सटेंस, तो वहां पर क्या होगा, वेपोराइज नहीं होने के कारण यहाँ का एरिया क्या रहेगा, वेट रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। तो ऐसे तरह गैंग्रीन को क्या बोलते हैं लोग, मॉइस्ट गैंग्रीन या वेट गैंग्रीन बोलते हैं। तो दो बात समझना है, यानी कोई बॉडी में हमारे बॉडी में नेक्रोसिस हुआ है, अगर वो डिकम्पोज कर जाएगा, अगर प्यूटिफाई होगा, और प्यूटिफाई होने के बाद उसके फ्लूड अगर वहां वेपोराइज कर जाता है तो ड्राई गैंग्रीन, वेपोराइज नहीं हो पाया वहां पे, फ्लूड वहां रह गया, तो वेट गैंग्रीन या मॉइस्ट गैंग्रीन। तब मॉइस्ट गैंग्रीन कहां पर होगा, ड्राई गैंग्रीन तो बता दिए कि इसके कॉमनेस साइट इसके एक्सट्रीमिटीज में होंगे, लेकिन वेट गैंग्रीन या मॉइस्ट गैंग्रीन कहां पर होते हैं, तो मॉइस्ट गैंग्रीन होगा जैसे भिसरा में हुआ, जहां ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा, लिम्फेटिक सब्सटेंस ज्यादा होगा, वहां पे मॉइस्ट गैंग्रीन होता है। तो दो टाइप के गैंग्रीन जनरली मिलते हैं, ड्राई गैंग्रीन और मॉइस्ट गैंग्रीन। अब यहाँ पर एक अलग टाइप से गैंग्रीन मिलेंगे आपको, मॉइस्ट गैंग्रीन का एक मॉडिफाइड फॉर्म है जिसमें अगर एनारोबिक बैक्टीरिया अटैक किया यहाँ पे, ऐसा बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के अवशेष में ग्रो करता है, अगर इस एरिया में अगर एनारोबिक बैक्टीरिया अटैक करता है अगर,
तो वहां पर आपको मिलेंगे गैस गैंगलियन, गैस गैंगलियन, है ना। तो गैस गैंगलियन एक तीसरा वैरायटी भी कह सकते हैं, हालांकि ये तो मॉइस्ट ग्लैंड का ही टाइप है, हुआ उसमें मॉडिफिकेशन है कि मॉइस्ट ग्लैंड वाले एरिया पे अगर क्लोस्ट्रिडियम बेल्चाई का अटैक हुआ अगर, या एनारोबिक अलग एनारोबिक बैक्टीरिया अटैक होता है, तो वहां पर गैस बनता है। तो गैस गैस में क्या होगा, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, एस्केटॉल, इंडोल, ये सब बहुत खराब गैस वहां बनते हैं, जो कि बैक्टीरिया के और प्लस सब्सटांस के, वहां के जो नेक्रोसिस सब्सटांस है उसके डिकम्पोजिशन से वह सब्सटांस बनता है वहां पर। तो इस तरह से तीन वैरायटीज के आपको गैंग्रीन मिलते हैं, ड्राई, मॉइस्ट एंड गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन तो इसी का फॉर्म है। अब फिर हम लोग बात करते हैं इसके पैथोलॉजी पे, तो इसका पैथोलॉजी यह कहता है ड्राई गैंग्रीन का कि जो एरिया है नेक्रोसिस टिश्यू उस पर कोई सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया या फिर लाइसोजोमल कंडीशन अटैक हुआ या ब्लड सप्लाई वहां बंद हो गया, इसके कारण क्या होगा, जो यहाँ पर गैंग्रीन होगा और उसके बाद वहां जो फ्लूड है वह वेपोराइज कर जाता है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं डायग्रेन। दूसरा, नेक्रोसिस हुआ लेकिन वहां ब्लड सप्लाई प्रॉपर है, वहां लिम्फेटिक सबस्टांस है, सीरस कैविटी है, और प्लस वहां पर डिकम्पोज होने के बाद जो फ्लूड है वहां पर वेपोराइज नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं मास गैंग्रीन। अब आते हैं थर्ड, जो गैस गैंग्रीन या ऐसा जो इस वेट वाले वेट गैंग्रीन वाले एरिया पे अगर बाय द वे वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया अटैक करता है, उसके कारण वहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर अदर सब्सटेंस वहां गैस बनते हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं गैस गैंग्रीन। अब बात करते हैं आगे इटियोलॉजी पर, इसका इटियोलॉजी क्या होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इटियोलॉजी आपको मिलते हैं डायबिटिक मेलाइटिस, नंबर टू एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि आर्टरी ब्लॉक होने के कारण, अगला आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इससे भी तो आर्टरी ब्लॉक होता है, यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे गैंग्रीन होता है। नेक्स्ट सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया जो कि डेथ सेल पे अटैक करता है तो उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, जैसे सीडोमोनास है, एसिचा कोलाई है, प्रोटियस है। इसके बाद अगला है एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया में क्या होता है, जैसे क्लोस्ट्रिडियम ग्रुप्स के बैक्टीरिया है, जैसे क्लोस्ट्रिडियम बेल्चाई है, क्लोस्ट्रिडियम परफिरिंजेस है, ये सब ग्रुप्स के बैक्टीरिया है जो कि अटैक कर करके और वहाँ पे गैंग्रीन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो गैंग्रीन का ये सब लोग कारण होता है जिसकी वजह से गैंग्रीन डेवलप करता है। नेक्स्ट आते हैं सिम्टम पे, पहला है ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन का सिम्टम क्या होता है, जहाँ पे ड्राई गैंग्रीन होता है उस एरिया में जो सराउंडिंग एरिया होता है ड्राई गैंग्रीन का वह नॉर्मल रहता है, वहाँ पे सराउंडिंग एरिया में ओडिमेसर्स और स्वेलिंग नहीं रहता है, और जो भी वहाँ पे जो एरिया रहेगा ड्राई गैंग्रीन का वह येलोइश कलर के होते हैं। तो ड्राई गैंग्रीन पेनलेस भी होता है और ये कॉमनेस्ट या लोअर एक्सट्रीमिटीज में होता है। दूसरा है मॉइस्ट गैंग्रीन, मॉइस्ट गैंग्रीन कैसा होता है, सराउंडिंग एरिया ओडिमेसर्स या स्वेलिंग होते हैं, और जहाँ पे गैंग्रीन होता है उसका एरिया ब्लैकिश हो जाता है और प्लस पेनफुल होता है, काफी पेन होता है इसमें। नंबर थ्री गैस गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन क्या होता है, गैस गैंग्रीन में जहां पे गैंग्रीन होता है गैस गैंग्रीन वहां पे स्मेलिंग काफी होता है, एरिया ब्लैकिश हो जाता है, यहां भी काफी पेनफुल होता है गैस गैंग्रीन में, स्वेलिंग का वहां पे स्वेलिंग भी होता है और पेन भी होता है, ऐसे गैंग्रीन को लोग बोलते हैं गैस गैंग्रीन। अब बात करते हैं हम लोग इस पे कॉम्प्लिकेशन, तो ड्राई गैंग्रीन का तो कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, वहाँ पे मॉइस्ट गैंग्रीन का कॉम्प्लिकेशन तो खुद गैस गैंग्रीन है और प्लस टॉक्सेमिया है, पायमिया है, सेप्टिसेमिया है, और गैस गैंग्रीन का जो कंडीशन जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है, इसमें टॉक्सेमिया बॉडी में फैल जाता है और इसमें मल्टी ऑर्गन फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, हम इसको कोई किसी पता लगा सकते हैं, पहला तो है बायोप्सी करके देख सकते हैं, जब बायोप्सी करते हैं तो हमें वहाँ पे जो डिकम्पोज सब्सटेंस है वहाँ मिलता है। इसके बाद नंबर टू ब्लड शुगर का जांच करके देखते हैं, जो हो सकता है ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा। नंबर थ्री लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, लिपिड प्रोफाइल से क्या होता है, हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा रहता है वहाँ पे। अगला हम लोग हीमोग्लोबिन परसेंटेज कराते हैं, हो सकता है कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट डिक्रीज हो। उसके बाद वहाँ के एरिया को हम लोग कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं, हो सकता है कि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ है वहाँ पे, तो इस तरह से कुछ हम लोग वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं,
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ड्राई गैंग्रीन होता है तो आप सर्जरी करते हैं, मॉइस गैंग्रीन है वहाँ भी सर्जरी करते हैं, गैस गैंग्रीन अगर है तो वहाँ पे हम लोग जो ड्रेसिंग करते हैं एरोबिक ड्रेसिंग करते हैं। एरोबिक मतलब कि बैंडेज जो भी करते हैं वहाँ पे एरोबिक रखते हैं, कभी भी एनारोबिक नहीं रखते वहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बात करते हैं इसे मेडिसिन के बारे में तो इसमें कार्बोवेज, सिकल कॉर्ड, सैलिसिया, मक्सॉल, सल्फर, हिपरसल्फ, ये सब ग्रुप्स के कुछ दवा होते हैं जो चलाते हैं। एक स्पेशल टाइप का जो गैंग्रीन होता है उसको हम लोग फोर्डियर गैंग्रीन बोलते हैं। फोर्डियर गैंग्रीन जो होता है, एक फोर्डियर गैंग्रीन होता है जो कि मेल के स्क्रोटम में होता है। एक तो मेल का स्क्रोटम अगर बाय द वे किसी कारण से इंजर्ड हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, तो नेक्रोसिस के बाद क्या होता है कि वहां पर कभी एनारोबिक बैक्टीरिया अटैक करता है, उसकी वजह से वहां पर गैंग्रीन डेवलप किया जाता है जिसको हम लोग फोर्डियर गैंग्रीन बोलते हैं। तो बाकी सिम्टम जो होता है वो नॉर्मल जैसा होता है कि वहाँ भी आपको पेन होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगा, प्लस डिस्चार्ज होगा, उजिंग होगा, वहाँ भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है सेप्टिसेमिया टॉक्सेमिया का। ट्रीटमेंट के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल रिमूव कर देते हैं, और प्लस मेडिसिन के लिए वही कार्बोवेज और सैलिसिया और सिकल कॉर्ड देते हैं वहाँ भी। तो ये एक अलग वेराइटीज के गैंग्रीन होता है जिसको हम लोग फोर्डर गैंग्रीन बोलते हैं। तो वह गैंग्रीन क्या होता है ना, स्पेशल किसका वेराइटीज है, वह मॉस्ट गैंग्रीन का ही एक प्रकार का फॉर्म होता है। तब मॉस्ट का एक और फोर्डर गैंग्रीन हो गया, इस गैस गैंग्रीन हो गया, इस तरह से ये गैंग्रीन होता है। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।